गाइस शिवांग सही टाइम पे आ गया है। अरे इधर आओ, किसको? सो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। गाइस आज मेरा है बोर्ड का पेपर, तो मैं जा रहा हूँ डेडी खत बोर्ड का पेपर, जंतर जनपद इंटर कॉलेज हरक। तो मैंने अभी ऊपर से डेडी जैकेट पहन ली, अंदर हाफ टी शर्ट है, स्कूल में मेरी चलती है। अब मैं यहाँ पर खड़ी है, अब जा रहे हैं। अच्छा देना पेपर, ठीक है मम्मी, पाए लागू सीधा से पाए लागू, चलते हैं। दादी ये पैरेट छूते हैं, स्केल बॉक्स रखते हैं, खाली बॉक्स ले जा रहे हैं और इसके अंदर प्रवेश पत्र है और स्केल ले लेते हैं। चलते हैं, डेडी बाहर खड़े हैं। दादी पाए लागू, दादी पाए लागू, दही मछली, दही मछली। अभी टाइम हो गया 7:15, 8 बजे से पेपर स्टार्ट। बाबा पाए लागू, बाबा आप लेटो, पैर कैसे लागे? थोड़ा उठो तो पाए लागू, पाए लागू बाबा। चलो चलते हैं, जा रहे, बाय बाय। डैडी आगे खड़े वहाँ पर स्कूटी लेके। गाइस चलते समय स्कूटी ने धोखा दे दिया, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। हो गई स्टार्ट, सर्दी आ गई थी बेचारी, अब गर्म आ गई। गाइस अभी पहले तेल भराने के लिए रुके हैं, फिर से चलते हैं। तेल भर गया, चलते हैं। मैं जैकेट पहन के नहीं आया था, मम्मी जबरदस्ती जैकेट पहना दी ना, सर्दी आ जाती एकदम, अकड़ जाते। अच्छा हुआ पहना दी। गाइस अभी कॉलेज आ गए हैं, जनपद इंटर कॉलेज पहुंच के, अब चलते हैं। गाइस अभी फाइनली घर आ चुके हैं पेपर देने के बाद। अभी टाइम हो गया 1, मैं 12:30 बजे आ गया था, खाना ना खाया। अभी मैंने ड्रेस बदली नहीं, यही स्कूल में मेरी यही चलती लोअर टी शर्ट चलता है, अभी मैं यही पहनूं। डैडी मुझको वहाँ से छोड़ने के बाद चले आए थे, मैंने डैडी को फ़ोन दे दिया था, वहाँ पे ले जाने नहीं दिया अंदर, और क्या कहते फिर उधर से ऑटो से आ गया मैं घर। अब है मेरा 21 तारीख को पेपर, फिर अब 21 तारीख को चलेंगे पेपर। वैसे अच्छा हुआ 70 नंबर का था, उसमें से 30 नंबर का मैंने कर लिया, बाकी 30 नंबर स्कूल की तरफ से, 20 नंबर की OMR हो गया, अच्छा खासा पेपर हो गया मेरा। अब शिवांग ना आ जाएंगे 3 बजे, तब तक मैं जा रहा हूँ सोने, थक गया बहुत ज़्यादा। अब जब वो लोग आएंगे तो उठेंगे, अब तब तक मैं जा रहा हूँ सोने। गाइस अभी मैं सोया तो नहीं, मैं नीचे वाले कमरे में आ गया हूँ, ये वाला कमरा जो मतलब थोड़ा सा मेंटेन है, जो PVC वगैरह लगी है, तो इसका इस कमरे को मैं अपना बना रहा हूँ स्टूडियो। मम्मी से पूछा तो उन्होंने बना रहा स्टूडियो अपना, तो जो मैंने उधर पूरी लैपटॉप टेबल रखी है, कंप्यूटर टेबल, वो पूरी कंप्यूटर टेबल इधर लाएंगे, ये सोफा उधर ले जाएंगे। तो अभी ये पूरा साफ ऑफ कर रहे हैं, मेरे कुछ बॉक्स थे ये वाले जो अच्छे लगते थोड़े देखने में, तो इनको यहाँ सेट वेट कर दिया है, थोड़ी कलर साफ कर दी है। अभी इसमें यहाँ पे झाड़ू पोछा अच्छे से करेंगे और इसको उधर ले जाते हैं, अपने कंप्यूटर टेबल इधर लाते हैं, पहले से थोड़ा मेंटेन कर लें। साफ ऑफ कर रहे थे तो अभी थोड़ा कमरा थोड़ा बेहतर गया है, ऊपर तड़पूरी ठीक से लगाई है, सामान काफ़ी सारा रखा तो उसको हटाया है, और यहाँ पर ये अपने बॉक्स पूरे कायदे से लगाए हैं। जितना भी सामान मैंने खरीदा तो बहुत सारा है, वैसे अच्छे अच्छे बॉक्स जो थे उनको मैंने यहाँ पर रख लिया, और ये अपना पहला वो क्या कहते हैं गोरिल्ला ट्राइपॉड यहाँ पर रख दिया। कौन आया? ओ कृष्णा स्कूल से आ गए। कितना बज गया? 3 बज गया। अच्छा चलो कृष्णा, मैं इसको स्टूडियो बना रहा हूँ, इस कमरे को सोफा हटा के इधर में पूरी लैपटॉप टेबल लाएंगे। यहाँ पे रिंग लाइट वगैरह तो पहले से रखी है, काफ़ी अच्छा लगेगा गाइस, अभी पूरा करते हैं मेंटेन। गाइस अब इस सोफे को बाहर ले चलते हैं, दादी आ गई, कहाँ है दादी? दादी थोड़ी देर देह पड़नी है, फिर मैं उस सोफे को बाहर ले चलते हैं। कैसे इसको हटाओगे? पहले इसको बाहर ले चलेंगे ना, इसको इसके ऊपर रखो तो जगह हो उठाए रखें। सोफा आधे रास्ते में फंस चुका है, ये देखिए अलग गेट खोलना पड़ेगा, ये अलग गेट खोलते हैं। बाहर तो बंद, बाहर तो खुल के आए।
वांग सही टाइम पे आ गया है। अरे इधर आओ, किसको? इसको बाहर निकालना। गाइस मैं यहाँ पे आ गया सही टाइम पे। इसको स्टूडियो बनाने में इधर लानी है। इसको कहाँ करना है? इसको उस कमरे में करना है। यहाँ से निकल नहीं पा रहा, उस गेट से निकलना है। गाइस अभी निकालते हैं इसको। गाइस बहुत ज्यादा मेहनत लग चुकी है, लाइक कर देना। गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, इसके चक्कर में एक जेबी टूट गई, इसलिए क्या कहते हैं इसको, ब्लाइंड। ये एक ब्लाइंड भी टूट गई इसी चक्कर में गाइस यहाँ पे। तो अभी आपको दिखाते हैं कहाँ पे रखा है वो। गाइस जैसे ही मैं स्कूल से आया, इसने मुझे तुरंत बुला लिया कि आओ यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लाइंड बच गई, लेकिन वो निकल गई इसको दोबारा जोड़ दे यहाँ पे, और यहाँ से वो लेके पूरा हटा दिया। अब दिखाते हैं कहाँ पे रखे है वो। गाइस अपने मेज यहाँ पे रख लीजिए, देखिए गाइस मेज यहाँ रखी है। बड़ी मुश्किलों के बाद यहाँ से लाए हम लोग मेज। गाइस बहुत दिक्कत हुई इसको लाने में, देखिए। हाँ गाइस स्टूडियो बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। स्टूडियो बना रहे हैं दादा अपना, मुझे आज पता चला। यहाँ से लाए थे, फिर यहाँ से अंदर ले गए, अंदर से पूरा घुमा के ऐसे लाए यहाँ पे ऐसे। अभी यहाँ पे पड़ी है, तो अभी दादा वहाँ पे अपने को सामान वामान हटा रहा है, फिर उसके अंदर रख देंगे स्टूडियो के अंदर। यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। साफ करो पहले उसको, साफ करें। देखो दिखाते हैं गाइस आपको, ये टेबल ले आएंगे, ये नहीं वहाँ ले आएंगे। गाइस इस वाली इसको कहाँ रखोगे? यही पूरी टेबल में जाएगी सब, ये सब उधर जाएगा। ये सब गाइस ये पूरी मेज यहाँ से उधर चली जाएगी, और ये कुर्सी भी, ये कुर्सी भी, और ये सब चला जाएगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ दादा का न्यू स्टूडियो देखने के लिए। देखते हैं कब करता है ये पूरा सेटअप। अभी हो जाएगा गाइस। अभी यहाँ पर सोफा तो हटा दिया है, और थोड़ी बहुत सफाई भी कर ली है, बेडशीट बदलनी थी। लेकिन अभी 4 बज चुका है, मुझे लगा 4:30 बजे ट्यूशन है, लेकिन इनका 4 बजे ट्यूशन है, तो अभी ट्यूशन के लिए निकलते हैं। वो लोग तो चले गए, सोफा भी इधर रखा है, लौट के आगे पूरा सेटअप करेंगे। गाइस अभी ट्यूशन से तो आ गए थे 6 बजे, लेकिन एक दिक्कत हो गई थी कि मैंने यहाँ से बड़ा वाला सोफा तो हटा दिया था, लेकिन मुझको यहाँ से छोटा वाला सोफा हटाना चाहिए था। मैंने स्वांग को बुलवा के जल्दी से फिर छोटा वाला सोफा हटवाया, बड़ा वाला सोफा भी साइड रखा है। अभी इधर खाली हुआ, पहले सोफा कवर लगाते हैं, फिर वो अपनी लैपटॉप टेबल इधर ले आएंगे। गाइस अभी जा रहे हैं अपना फ्रेम देखने के लिए चश्मे का, क्योंकि गाइस मैंने अपनी आंखें टेस्ट करा ली थी पूरे 11 महीने बाद। अब मैं अपना फ्रेम देखने जा रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रेम पूरा बेकार हो गया है। तो अभी चलते हैं शॉप पे, डैडी बाहर ही खड़े हैं, अभी देखते हैं कहाँ पे डैडी सामने होंगे शायद। चलते हैं अभी सामने, बाइक लेके खड़े हैं गाइस, यहाँ पे डैडी हैं। अब चलते हैं अच्छी बाइक में। गाइस अभी चश्मा देख के तो आ गए हैं, और मेरे इतनी बूढ़े इतना गुस्सा है वहाँ जाके। अब यहाँ पे कृष्णा भी आ गया दूध लेके, क्योंकि दूध वाले भैया को डर लगता है स्टेला से, तो फोन करके बुलाया होगा। और मुझे इतना गुस्सा आया गाइस, पता नहीं होता, महा घटिया फ्रेम थे गाइस वहाँ पे। कम से कम किसी दुकान पे गए थे वहाँ पे, कम से कम 100 फ्रेम थे, और 100 में से जो 50 फ्रेम होते हैं वो वैसे थे फ्रेम, मतलब जो ऐसे लगाए जाते हैं नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल जो दुकान में भैया लगाए थे। और मतलब मेरे पास कुछ नहीं पसंद आया वहाँ पे, और बिल्कुल नॉर्मल फ्रेम थे सारे, तो कुछ नहीं पसंद आया। अब हम लोग कल जाएंगे विजय लक्ष्मी की शॉप पे, मतलब जो है वहाँ पे, वहीं जाके देखेंगे अच्छा ला फ्रेम। स्टूडियो थोड़ा तैयार हो गया है, और यहाँ पे इसका स्टूडियो भी तैयार हो रहा है। तो अभी ऊपर चल के देखते हैं, मेरा मूड ही खराब हो गया। कल मैं 3 बजे स्कूल से आऊंगा, फिर जाऊंगा अपना फ्रेम चूज करने के लिए। ये ले जाए क्या? अभी मैंने अपना स्टूडियो तो पूरा सेटअप कर लिया है, लेकिन इसको इसका टूर मैं आपको कल वाले व्लॉग में दूंगा। तो स्टूडियो टूर नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, तो वो आप देख लीजिएगा। सो मैं इस व्लॉग का था, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।